हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमारे पास है बजाज पल्सर NS200 PS6, और अभी काफ़ी ज़्यादा इसके रियर ब्रेक में प्रॉब्लम आ रहे हैं मानसून के टाइम पे। जैसे ये देख सकते हो, मेरा भी रियर ब्रेक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको मैकेनिक के पास ना जा करके एट होम ही सॉल्यूशन इसका आप सभी को दिखाते हैं। तो चलते हैं गाइस। तो अभी यहाँ पर दिखा सकते हैं आप सभी को, ये जो यहाँ पर फ्लूइड, यहाँ पर ब्रेक का जो ऑयल रहता है, ये अपना शायद एकदम खाली हो चुका है। तो इसको पहले ओपन करके हम लोग फुल करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग अपना जो दिया जाता है पैच का सीट के नीचे, वो हम निकाल चुके हैं। तो अभी आप सभी को ओपन करके दिखाते हैं। देखो, कंपनी जो हम लोगों को ये औजार देती है, तो वो सब हम लोग इसे ओपन करते हैं इसको। और तो इसको करते हैं बंद, काफी ज्यादा फुल हो गया है, गर्म है, हीट है। इसको करते हैं पैक, इसको वर्क करते हैं, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हो गया, क्योंकि हम NS200 के ऊपर ही अपना ज़्यादातर ब्लॉग रहता है, तो उसका एक कभी कोई भी इश्यूज आते हैं छोटे बड़े, तो हम वही सब दिखाते हैं। तो इसके लिए आप ये चेक कर सकते हो, फिर हम लोग दिखाते हैं कैसा वर्क करता है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कि ऑयल डालने के बाद ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं आगे। ओके, आ जा, कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो कर दिया हम लोगों ने, फिर वो फिट हो चुका है अभी। और ये अब देखो, इसको कुछ देर पुश कर लेते हैं, अब ये धीरे धीरे हार्ड हो चुका है, अब लग रहा है ये ब्रेक। तो कुछ ऐसा ही है। और NS200 से जुड़ी और सभी जानकारी के लिए कमेंट करें और लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।